हेलो, स्टॉप किडनी डायलिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यह विश्व के बेहतरीन आयुर्वेदिक किडनी केंद्रों में से एक है। यह सन 1937 के बाद से लगातार किडनी के पेशेंट्स का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा है। यह धवन परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और डॉक्टर पुनीत धवन उनकी पांचवी पीढ़ी हैं, जो कर्मा आयुर्वेदा को अपने अनुभवों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर पुनीत धवन एक अनुभवी आयुर्वेदिक किडनी डॉक्टर हैं, जिन्होंने अब तक दुनिया भर के हजारों पेशेंट्स का इलाज किया है। उनकी उपचार तकनीकों ने कई किडनी मरीजों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना ही ठीक करके दिखाया है। आज हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जिन्हें किडनी की बीमारी थी। उनका नाम है श्री मोहन सिंह मेहरा, जो कि अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने मोहन सिंह जी की दोनों किडनियों को मात्र कुछ ही महीनों में पुनर्जीवित कर दिखाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने उन्हें डायलिसिस से छुटकारा दिलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह मेहरा है, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी 5 महीने पहले मुझे थोड़ा शरीर में थकान से महसूस होने लगी थी, तो उस थकान की वजह से मैं जयपुर मैंने इलाज डॉक्टर एस के पारिक हैं उनको मैंने चेकअप कराया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम बताई। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे दवाई भी वगैरह भी दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बताया कि आपको एक बार कर्मा आयुर्वेदा में दिल्ली के अंदर जो है उनसे संपर्क करना चाहिए। तो मैं एड्रेस लेकर मैं यहाँ दिल्ली आया और मैंने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब के साथ मेरे थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम है, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे 4 महीने की दवाइयाँ दी। 4 महीने की दवाइयाँ लेने के बाद मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो उस समय 4 महीना पहले 2.1 था, वो 1.44 आ गया, और मेरे शरीर के जो सिम्टम्स थे थकान रहना वो भी ख़त्म हो गया। मेरे यूरिन का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा है, और अब मैं काफ़ी रिलीफ भी महसूस कर रहा हूँ इस मामले में। तो मैं तो अगर कोई इसी किडनी का कोई पेशेंट मिलता है तो मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि भाई वो अपना इलाज करवा आयुर्वेदा में जाके अवश्य कराएं। अच्छा, और फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे जब आप आए थे? हाँ जी हाँ, मुझे कुछ थोड़ा थकान वगैरह महसूस होती थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। अब वो थकान वगैरह भी गायब हो चुकी है मेरे अंदर से, और थोड़ा काम करने की इच्छा भी जागृत हुई है, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा शरीर का स्टेमिना भी ठीक हुआ है, और मुझे काफ़ी फायदा मिला है इस इलाज से। तो आप इनके बेटे हैं, आप क्या देख रहे हैं चेंजेस 4 महीने में? सो 4-5 महीने पहले जब हमने देखा, हम लोग काफ़ी डर गए थे, पूरी फैमिली बहुत डर रही थी कि पापा काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में कंडीशन में। उसके बाद में काफ़ी हमने इसको प्रोएक्टिवली फॉलो किया, इस पर पापा की डाइट वगैरह हो पूरा, फिर आपके यहाँ पे आए डॉक्टर्स वगैरह का, तो पापा ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया, फॉलो किया, जो भी आपने डाइट बताई और आपकी जो मेडिसिन चल रही थी सब कुछ टाइम पर आता। तो आज हम पापा को ये बोलते हैं कि पापा आप कम्प्लीटली हेल्दी हो, वो जो एक टाइम था जो फेज था वो चला गया है, जो बहुत क्रिटिकल फेज था वो चला गया है, अब आप काफ़ी फिट हो, काफ़ी हेल्दी हो, तो हमको काफ़ी फिट लगते हैं, हेल्दी लगते हैं। अब बस पापा को थोड़ा और मेंटली एक उस पर निकलना है कि हाँ मुझे क्लीन चिट मिल जाए कि अब मैं परफेक्टली फाइन हूँ, बट फॉर अस देर इज अ मैजिकल इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर्स ने भी बताया होगा, क्या बताया था उस टाइम पर जब क्रिएटिनिन 2 के आसपास पहुँच गया था? सो डॉक्टर ने उस टाइम पर बताया था कि इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। सो अभी उस स्टेज में हम कि जहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों की दोनों किडनियाँ डैमेज हैं, और वो उस कंडीशन तक डैमेज है, उस लेवल तक डैमेज है कि वहाँ से देर विल बी नो कमिंग बैक, आई वुड नॉट से दैट, बट वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर, चलने दीजिए, जैसा जैसा चलता है। हम लोग शायद 7-8 महीने वहाँ पर रहे, काफ़ी टाइम से वहाँ पर चला था, और वहाँ पर लेकिन हमको एक होप मिलती थी, एक इम्प्रूवमेंट का, वो हमें बताते थे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट इतना रैपिड इम्प्रूवमेंट अभी 4 महीनों में हमने देखा है, तो वो पहले नहीं था। देखिए, क्रिएटिनिन जो था इनका 2 के आसपास चला गया था, और ये सरोज डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट है अलवर की, और 23/8/2018 की ये रिपोर्ट है। इसके अंदर अगर क्रिएटिनिन देखे तो ये 1.92 है, और यूरिया 53.1 है, यानी कि किडनीज आर अप्रॉक्सीमेटली 50% डैमेज है। 1.92 है क्रिएटिनिन, 1.4 इज़ अ नॉर्मल लेवल। और अब इन्होंने एक लेटेस्ट कराया है जिसके अंदर 22/12/2018 को लेटेस्ट है, 1.44 हो चुका है क्रिएटिनिन, यूरिया जो है वो 42 यानी कि नॉर्मल के रेंज में आ चुका है। क्रिएटिनिन इज़ वेरी नियर टू द नॉर्मल,
और वे बहुत पास है नॉर्मल के। अब बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो सारी चीज़ें इनकी नॉर्मल हैं। कंप्लीट KFT LFT कम्प्लीटली जो है वो विद इन द रेंज है, वो विद इन नॉर्मल रेंज है। लक के मोहन सिंह जी ने फॉलो करी। अलवर के रहने वाले जी, अलवर के रहने वाले मोहन सिंह जी, जिनका उस समय लगभग 50% किडनी डैमेज थी, और अब जो है वो टोटली जो है उस डैमेज के प्रक्रिया से बाहर हैं और काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। और बहुत सारे लैब से आपने टेस्ट कराए हैं, मैं देख रहा था अभी आपकी सारी रिपोर्ट्स जी, तो मल्टीपल लैब से आपने कराए हैं। टू बी श्योर, कितनी लैब से टेस्ट कराए हैं? 3-4 लैब से तो कराए हैं। हाँ सर, मैंने जयपुर में भी कराई थी, जयपुर में भी था, अलवर में भी कराई है, एक केयरवेल है, केयरवेल लैब से भी हमने टेस्ट कराए हुए हैं, और भी दो एक आध लैब और भी थी, गेटवेल लैबोरेटरी जयपुर से है, तो सभी में आपको अच्छे इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस हैं। एक और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, और 2-3 जगह से इन्होंने पूरे कंफर्मेशन कराया है लैब से। सारी लैब्स आपके आसपास की हैं अलवर? नहीं सर, ये सरोज केवल एक आसपास की है, बाकी थोड़ा दूर की, जयपुर की। तो इन्होंने सब चीज़ें अच्छे से लग के फॉलो करी, एंड द पेशेंट इज आउट ऑफ दैट प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द डिजीज जिसे कहा जाता है, उससे बाहर है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। जैसा कि आपने देखा, 23 अगस्त 2018 जब मोहन सिंह जी ने अपना चेकअप करवाया, तब उनका क्रिएटिनिन लेवल 1.92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था और यूरिया लेवल 53.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। आपको बता दें, यह रिपोर्ट कर्मा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से पहले की रिपोर्ट थी, लेकिन कुछ ही महीनों में कर्मा आयुर्वेदा से इलाज शुरू करवाने के बाद 22 दिसंबर 2018 को मोहन सिंह जी का क्रिएटिनिन लेवल घटकर 1.44 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया और यूरिया लेवल घटकर 42.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुंच गया। जैसा कि आपने खुद पेशेंट की जुबानी सुना कि कर्मा आयुर्वेदा ने उनकी किडनी को डायलिसिस से छुटकारा दिलवाया। अगर आप भी मोहन सिंह जी की तरह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं या डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भी कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का सुझाव डॉक्टर पुनीत धवन से लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।